Hello, my dear friends and lovely students. You are welcome to Study with Sarab. In this video, we are going to talk about the properties of bases. Bases की सबसे first property जो रहती है वो है उनका taste, जो कि इनकी सबसे बड़ी पहचान है. Bases हमेशा bitter in taste होते हैं, ये कड़वे होते हैं. For example, washing soda, या फिर आप lime की बात कर सकते हो, चूना कली भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो वो जो होते हैं वो bases हैं और उनका taste कड़वा रहता है. एंड सेकेंड, बेसिस फील सोपी टच. जब भी हम बेसिस को टच करते हैं वो हमें सोपी, मतलब साबुन जैसा स्लिपरी सा एक टच आता है बेसिस में से. तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो हमारी सोप्स होती हैं और डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेसिस होते हैं, उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं. अब थर्ड है, जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. और एक बात और, जो हमारी, मैंने अभी कहा बेसिस फील सोपी टू टच, जो बेसिस हैं जब भी हम उन्हें टच करते हैं वो हमें क्या फील करते हैं, सोप जैसा टच आता है उनमें. तो जो हमारी सोप्स हैं उनमें क्या होता है, बेसिस, वो बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनमें. तो उसके लिए एक टेस्ट भी आप कर सकते हो. जो हमारा टर्मरिक है वो नॉर्मली एक इंडिकेटर है बेसिस के लिए. तो जब भी टर्मरिक के ऊपर आप, आपके कपड़ों पे अगर हल्दी गिर जाए, सब्जी गिर जाए येलो कलर की, तो जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो वो क्या कलर आ जाता है, ऑलमोस्ट रेड सा कलर आ जाता है उसमें. तो वो भी एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि साबुन में बेस प्रेजेंट होता है. थर्ड इज, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. फोर्थ है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. क्योंकि बेसिस में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं और आयन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो जब भी हम बेसिस का सॉल्युबल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. फिफ्थ इज, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. नॉट ऑल, सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बेसिस हाइड्रोजन गैस नहीं देते. बेसिस सिर्फ कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो जब बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ वो हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ने प्रेजेंट है इसमें. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट. अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब भी बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, ये सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं. तो पिछली जब हमने एसिड्स की क्वालिटीज़ करी थी, एसिड की प्रॉपर्टीज़ करी थी, तब भी हमने यही देखा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो एक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे. यहाँ पे सेम रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. तो जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा. तो ये थी, जब भी बेसिस रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ दे मेक सॉल्ट एंड वाटर. अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं बेस की. जब बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे पास होंगे और उसके साथ जब एक बेस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर. एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, वीक बेस है ये, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये, कार्बन इज अ नॉन मेटल और इसका ऑक्साइड है. जब एक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस वो रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट है और साथ में क्या निकलेगा, वाटर. ये तो थी प्रॉपर्टीज बेसिस की. अब इसके साथ ही हम देखते हैं यूजेस, बेसिस के सिर्फ ब्रीफ के यूजेस करेंगे. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बेसिस. एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर चल रहा है. तो बेसिस के जो यूजेस हैं, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़
की बात करेंगे, NaOH की बात करेंगे, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोबारा याद करवा रही हूँ। इसे सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर में सिंथेटिक फाइबर, स्पेशली रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, उसमें यूज किया जाता है। अब इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, CaOH2, विच इज अ वीक बेस, इसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आप सबको पता होगा आई थिंक। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वीक बेस, जिसे हम यूज करते हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड इसलिए कि ये जो बेस है, जब भी हमारे स्टमक में ओवर ईटिंग से, फिर थोड़ा ऑयली खाने से अगर एसिडिटी हो जाती है, तो उस टाइम पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है और वो न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक के एसिड को और हमें इंडाइजेशन से रिलीफ दिलवाता है। अब फोर्थ जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा के तौर पे, ठीक है, या फिर इसे वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एरियाज़ में जो वाटर अवेलेबल होता है वो हार्ड वाटर होता है और उससे कपड़े साफ़ करना ईजी नहीं होता, या फिर उससे कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते, इसलिए उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है, सो दैट उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज किया जाए। उसके बाद आती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है इसे। इसको हम एज अ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, किसके तौर पे, बेकिंग सोडा के तौर पे कुकिंग में यूज़ किया जाता है, तो उस टाइम पे जब हमें फूड को थोड़ा सॉफ्ट बनाना है उसमें सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ऐड किया जाता है और फूड सॉफ्ट हो जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसको एज एन एंटासिड भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, वैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं। इसके दो यूजेस और हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कि अगर हमें हनी भी, जो मधुमक्खी होती है, वो काट ले, तो वो हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, उस एसिड से रिलीफ लेने के लिए या उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हम क्या बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। अगर हम जिस जगह हनी बी ने हमें काटा है उस जगह पे बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, तो जो उसका एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी जो स्वेलिंग और पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। सेम विद द एंट स्टिंग, आपके घर पे चींटियां होंगी, है ना, अगर वो आपको काट जाती हैं, उससे भी एसिड आता है बॉडी में, वो भी एसिड इंजेक्ट करती हैं आपकी बॉडी में, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है, तो तब भी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई चींटी काटती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।